आज जो हमारा कंप्यूटर क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं ओरिएंटेशन के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने बहुत सारे कंप्यूटर्स के बारे में जाना था। और सेकंड चैप्टर में अभी हमारे इससे पहले हमने फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा था, पेज को मर्ज करना सीखा था, पेज की सेटिंग करना सीखा था। और आज के जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं ये है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है इट इज़ द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज द डिस्प्ले और प्रिंटेड। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जिस तरह से हम अपने पेज के डायरेक्शन को सेट करते हैं। हम अपने पेज को दो तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे आप अपने कॉपी में भी लिखते हो कई बार, तो आप पेपर को किस तरह से रखते हो, या तो फिर आप उससे वर्टिकल स्टाइल में यूज़ करते हो या तो फिर हॉरिजॉन्टल स्टाइल में यूज़ करते हो। जैसे कई बार आपको पिक्चर बनानी होती है, ये हमारा पेपर है, ठीक है, आप लिखना शुरू करते हो यहाँ से इस तरीके से, और आप यहाँ पे कोई भी इमेज बना देते हो, ठीक है, ये आपने इमेज बना दी। कई बार क्या करते हो, आप पेपर लेते हो और यहाँ पे लिखना शुरू करते हो और यहाँ पे हम इसकी इमेज बना देते हैं, किसी भी चीज़ की हम इसमें इमेज बना देते हैं, ठीक है। तो ये हम पेपर के जिस तरह से हमारे पास मैटर होता है लिखने के उसी के अकॉर्डिंग हम पेज को सेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, पेज की ओरिएंटेशन है, टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो पोर्ट्रेट स्टाइल में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे पोर्ट्रेट स्टाइल में कहते हैं, और लैंडस्केप में, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टाइल में करते हैं। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हमारे पेज का सेटअप होता है, इस तरीके से लंबाई में, चौड़ाई में, इस तरह से लंबाई में हम पेज को लेते हैं, इसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, जैसे कि। और ये हमारा लैंडस्केप में, यानी कि चौड़ाई में हम पेपर की सेटिंग करते हैं। तो ये अगर हमें अपने कंप्यूटर में, अब कॉपी में काम करो तो कॉपी में तो आप सिंपल अपने पेपर को इस तरह से सेट कर लेते हो, पर जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो इसकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पेज को सेट करते हैं। तो इसी को हम पेज की जो हमारी डायरेक्शन होती है इसी को हम ओरिएंटेशन कहते हैं।